अब हम कुमिक विलेज में हैं, सूर्यास्त हो रहा है, जांस्कर नदी यहाँ पे है और ये कुमिक गांव का दृश्य है और ये यहाँ पे मकान जो सदियों से बने पड़े हैं, सस्टेनेबल हैबिटेट की जीती जागती मिसाल है। जियो इंजीनियरिंग अगर जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेबल लोकेशन कैसे आपने निर्धारित करनी है, इनके पूर्वजों ने हज़ारों साल पहले ये दर्शा दिया था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो कुमिक ग्लेशियर है और कुमिक कैचमेंट है, यहाँ पे काफ़ी फ्लडिंग एक्टिविटी होती रही होगी इतने सालों में, लेकिन गाँव को क्योंकि बिल्कुल ऐसी लोकेशन में बसाया गया था कि कहीं से भी वो जो फ्लडिंग एक्टिविटी है उसका कोई भी इम्पैक्ट उस पर ना पड़े। तो कुमिक गांव है, खास बात है कुमिक गांव की, जो मैं प्रभावित हुआ हूँ उसकी जियोलॉजिकल लोकेशन से, उसकी सस्टेनेबिलिटी से, उनके ऐसे ट्रेडिशनल विजडम से, जो इनके लोगों के जब ये बना रहे थे घर तब इन्होंने निर्धारित किए थे, तो ये सारी की सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि ट्रेडिशनल विजडम को इनकॉर्पोरेट करके हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग के साथ बच सकते हैं, पानी के क्राइसिस, एनर्जी के क्राइसिस। लेकिन कुमिक गांव खड़ा है अब थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये देखिए पुराने ज़माने में ग्लोबल कूलिंग होती होगी और उस टाइम ठंड होती होगी और यहाँ पे खिड़कियों से यहाँ पे पता लगता है हमारे को कि कैसे जो छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं इनकी पुराने ज़माने में, ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं और आज की बिल्डिंग में ये देखिए थोड़े थोड़े बड़े खिड़की हो गई, यहाँ पे सारी खिड़कियाँ इन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन छोटी खिड़कियाँ अभी भी ये दर्शाती हैं कि पुराने ज़माने में और अब ज़माने में कैसे ओवर द टाइम क्लाइमेट चेंज हुआ है, वार्मिंग हुई है और छोटी खिड़कियाँ बड़ी खिड़कियों में तब्दील हो गई हैं पानी के क्राइसिस के कारण। आज की डेट में क्या हो रहा है कि यहाँ से काफ़ी लोग माइग्रेट हो रहे हैं और इस गांव को छोड़ के ये निचली साइड में प्लेन्स में जा रहे हैं, पर इतना अच्छा हिस्टोरिक गांव हेरिटेज विलेज जिसने बहुत सारी क्लाइमेट विपत्तियों को झेल रखा है, अब ये टाइम आ गया है कि आप ये देखिए पुरानी बिल्डिंग स्टोन से बनी हुई, मतलब स्टोन एज को भी आप एक कल्पना कर सकते हैं कैसी रही होगी, तो वो कुछ कुछ ऐसी रही होगी और कैसे इंसान स्टोन एज से बढ़ते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुमिक गांव की अपनी ही एक अच्छी कहानी है। अब ये देखिए पुराने घर हैं, कुछ लोगों ने बना दिए हैं, कुछ खंडर हो गए हैं, तो कुमिक विलेज इंस्पायरिंग विलेज एग्जांपल है, अगर हम इसको थोड़ा सा और हेरिटेज बना दें, हेरिटेज विलेज इसको डिक्लेयर कर दें, तो कैसे ये देखिए बहुत ही उम्दा छोटी खिड़कियां और बड़ी खिड़कियों का मिश्रण, हर जगह ऐसे ही है और ये कुछ कॉमिक के बच्चे और खेत कॉमिक के, बहुत ही उम्दा ये देखिए और ये हम वापस ये छोटन से आ गए और यहाँ ही से हम निकले थे और यहीं पे हम आ गए हैं।